पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को लंबे समय तक भयाक्रांत करने वाली इंसेफ्लाइटिस 2017 से साल दर साल काबू में आती गई है। इसे नियंत्रित करने वाले योगी सरकार अब बची खुची बीमारी को भी नियंत्रित करने की तैयारी में जुट गए हैं। कभी यह बीमारी पूर्वांचल के मासूमों के लिए मौत का दूसरा नाम थी। चार दशक तक इसकी परिभाषा यही रही, पर सिर्फ 5 साल में इसे काबू कर योगी सरकार ने इस जानलेवा बीमारी का ही दम निकाल दिया है। गत वर्ष और इस वर्ष गोरखपुर जनपद में अब तक जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई से एक भी मौत नहीं हुई है। यही नहीं, इस साल सामने आए एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES के 27 मरीजों में से भी सभी सुरक्षित हैं। इंसेफ्लाइटिस को काबू में करने में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के परिणाम बेहद सकारात्मक रहे, आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। वहीं 2016 व 2017 में जहां गोरखपुर जिले में AES के क्रमशः 701 व 874 मरीज थे और उनमें से 139 व 121 की मौत हो गई थी, वहीं 2021 में मरीजों की संख्या 251 व मृतकों की संख्या सिर्फ 15 रह गई। जापानी इंसेफ्लाइटिस के मामले जहां 2016 व 2017 में क्रमशः 36 व 49 मरीज मिले थे और उनमें से 9 व 10 की मौत हो गई थी, वहीं 2021 में जेई के 14 व चालू वर्ष में सिर्फ 5 मरीज मिले और मौत किसी की भी नहीं हुई, यानी जेई से होने वाली मौतों पर 100% नियंत्रण। AES से होने वाली मौतों पर भी 95% तक नियंत्रण पा लिया गया। AES को लेकर थोड़ी सी जो कसर रह गई है उसे भी दूर करने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1978 में पहली बार दस्तक देने वाली इस विषाणु जनित बीमारी की चपेट में 2017 तक जहां 50,000 से अधिक बच्चे असमय काल के गाल में समा चुके थे और करीब इतने ही जीवन भर के लिए शारीरिक व मानसिक विकलांगता के लिए शिकार हो गए, वहीं पिछले 5 सालों में ये आंकड़े दहाई से होते हुए इकाई में सिमटते गए। इस महामारी का केंद्र बिंदु समझे जाने वाले गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के इंसेफ्लाइटिस वार्ड में एक दौर वह भी था जब हृदय को भेदती चीखों के बीच एक बेड पर 2 से 3 बच्चे भर्ती नजर आते थे। अब इस वार्ड के अधिकांश बेड खाली हैं। यह संभव हुआ इस महामारी को करीब से देखने वाले बतौर सांसद लोकसभा में हमेशा आवाज उठाने और मुख्यमंत्री बनने के बाद टॉप एजेंडा में शामिल कर इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन का संकल्पित व समन्वित कार्यक्रम लागू करने वाले योगी आदित्यनाथ के संवेदनशील प्रयासों से। अकेले गोरखपुर जनपद की बात करें तो इंसेफ्लाइटिस रोगियों के इलाज के लिए यहां 19 इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर ETC, 3 मिनी PICU, 1 PICU, पीकू में कुल 92 बेड तथा BRD मेडिकल कॉलेज में 313 बेड रिजर्व है। इसके अलावा पीकू व मिनी पीकू में 26 तथा मेडिकल कॉलेज में 77 वेंटिलेटर उपलब्ध है। 1978 में जापानी इंसेफ्लाइटिस के मामले पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार सामने आए। इसके पहले 1956 में देश में पहली बार तमिलनाडु में इसका पता चला था। चूंकि इंसेफ्लाइटिस का वायरस नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, इसलिए जन सामान्य की भाषा में इसे मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार कहा जाने लगा। बीमारी तब नई नई थी तो कई लोग नौ की बीमारी भी कहने लगे। हालांकि देहात के इलाकों में 4 दशक पुरानी बीमारी आज भी नौ की बीमारी की पहचान रखती है। 1978 से लेकर 2016 तक मध्य जून से मध्य अक्टूबर के 4 महीने प्रदेश के पूर्व यानी गोरखपुर और बस्ती मंडल के लोगों खासकर गरीब ग्रामीण जनता पर बहुत भारी गुजरते थे। भय इस बात का न जाने कब उनके घर के चिराग को इंसेफ्लाइटिस का झोंका बुझा दे। मानसून में तो खतरा और अधिक होता था, कारण बरसात का मौसम वायरस के पनपने को मुफीद होता है। 1978 से 2016 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष औसतन 1200 से 1500 बच्चे इंसेफ्लाइटिस के क्रूर पंजे में आकर दम तोड़ देते थे। सरकारी तंत्र की बेपरवाही से 2016 तक कमोवेश मौत का यह सालाना इबारत लिखी जाती रही। मौत के इस खेल में सिर्फ बदलाव बीमारी के नए स्वरूप का हुआ। जापानी इंसेफ्लाइटिस JE के नाम से शुरू यह बीमारी अब एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES के रूप में भी नौनिहालों की जान की दुश्मन बन गई। पर 2017 के बाद इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण के उपायों से दिमागी बुखार का खौफ दिलो दिमाग से दूर होता चला गया। इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर 2 दशक के अपने संघर्ष में योगी इस बीमारी के कारण
निवारण के संबंध में गहन जानकारी रखते हैं। बीमारी को जड़ से मिटाने के अपने संकल्प को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के साथ स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और जागरूकता को मजबूत हथियार माना। इसी ध्येय के साथ उन्होंने अपने पहले ही कार्यकाल में संचारी रोगों पर रोकथाम के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान का सूत्रपात किया। यह अंतर विभागीय समन्वय की ऐसी पहल थी जिसने इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन की इबारत लिखने को स्याही उपलब्ध कराई। योगी सरकार के इस अभियान को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला 2014 से जारी मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के रूप में। इस अभियान से खुले में शौच से मुक्ति मिली जिसने बीमारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुक्रवार को संचारी रोग दस्तक अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे जो कि एक महीने तक चलेगा, जिसमें 12 विभाग को शामिल किया गया है, जिसके तहत गांव में साफ सफाई, जल जमाव को दूर करना या अगर किसी गांव में शौचालय नहीं बना है तो उस गांव में शौचालय बनवाना, जिससे कि बरसात में होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा, कल जनपद में इनफैक्ट पूरे प्रदेश में संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग से शुरू किया है। ये बेसिकली एक महीना का कार्यक्रम है जिसमें 16 के बाद दस्तक कार्यक्रम भी है। 12 विभाग इसमें इन्वॉल्व है। इसके समन्वय से ही जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रिवेंटिव कार्रवाई वो किया जाएगा, जैसे गाँव में साफ सफाई, गाड़ी घंटा का क्लियरेंस, कहीं जल भरा हुआ इसको निकलवाना, रिमोट, अगर शौचालय कहीं छूट रहा है वहाँ निर्माण, तो हर विभाग अपना अपना स्कीम कवर कर।